नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बर्गर किंग के IPO का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 11 दिसंबर 2020 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको बर्गर किंग के IPO में अलॉटमेंट मिल गया है तो आपको आगे इस IPO में क्या करना चाहिए, लिस्टिंग के दिन ही मुनाफा कमा कर निकल जाएं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयरों को रख लेना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, बर्गर किंग का IPO बहुत ही अच्छा IPO है, इस बात का अंदाजा आपको सब्सक्रिप्शन देखकर ही लग गया होगा। आपको बता दें करीब 158 गुना ये जो शेयर है, ये IPO है, ये सब्सक्राइब हुआ था। और अगर रिटेल कैटेगरी में बात करें तो करीब 68 टाइम्स यानी कि एक लॉट के लिए 68 लोग लाइन में लगे हुए थे, इतना बढ़िया इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। और उसके बाद से ही इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ता ही जा रहा था, या तो फ्लैट रह रहा था यानी कि कांस्टेंट हो रहा था या फिर बढ़ रहा था। लेकिन आज इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में हल्की सी गिरावट देखी गई है, यानी कि मामूली सी गिरावट है, कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन सब्सक्रिप्शन सामने आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई हो। आपको बता दें कि इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है कल के दिन यानी कि 10 दिसंबर को जो प्रीमियम चल रहा था वो करीब 48 रुपये चल रहा था, यानी कि 60 रुपये के इशू प्राइस के मुकाबले ये 108 रुपये पर लिस्ट होता हुआ दिख रहा था। लेकिन आज इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो गया है, यानी कि 44 से 45 रुपये के बीच में ये हो गया है। देखिए, मामूली सी कमी है, ज़्यादा कमी हुई नहीं है, थोड़ी सी ही कमी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये गिरावट हुई है, ये पहली बार हुई है इसके सब्सक्रिप्शन सामने आने के बाद। यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ के रूप में बताया हुआ है कि किस तरीके से ये बढ़ता ही जा रहा था। आपको बता दें कि 27 तारीख को इसकी जो है डेट्स आई थी, उसके बाद से यहाँ पर ये इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा घट गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 रुपये से ये डायरेक्ट 28 रुपये पर आ गया था। लेकिन जैसे जैसे 1, 2, 3 और 4 तारीख को यहाँ पर इसका सब्सक्रिप्शन जो सामने आया, उसके बाद से ही इसका प्रीमियम आपने देखा कि या तो ये फ्लैट रह रहा था या फिर बढ़ रहा था, कम नहीं हुआ था। और कल के दिन तक इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन आज इसमें मामूली सी गिरावट आप देख सकते हैं कि लगभग 3 रुपए की गिरावट यहां पर होती हुई दिख रही है। देखिए, मामूली सी गिरावट है, ज्यादा गिरावट नहीं है, आपको इससे परेशान नहीं होना है। आप बस ये शुक्र मनाइए कि ये 105 और 110 के ऊपर ही लिस्ट हो, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये इसी के बीच में लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। देखिए, जिस तरीके से रुझान मिल रहे हैं, सब्सक्रिप्शन मिला है, मार्केट का माहौल है, उस सबको देखकर ऐसा ही लगता है कि इसमें बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिलेगी और करीब 80% तक का गेन आपको लिस्टिंग के दिन ही मिल सकता है। तो भाई, जिसको ये IPO मिला है वो इंजॉय करें। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आपको ये IPO मिल गया है, अलॉट हो गया है, तो आपको आगे इस IPO में क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें 3 तरह से हम देख सकते हैं। पहला ये है कि अगर आपको ये IPO मिल गया है तो आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि ये चाहते हैं कि भाई हमें जल्दी से जल्दी मुनाफा हो और हम इससे निकल जाएं। तो भाई, आपने इसमें 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए, अगर आपको यहाँ पर 110 रुपये पर ये लिस्ट होता हुआ दिखता है तब आपको यहाँ पर लगभग 12,000 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। यानी कि आप अगर टोटल देखें तो आपको 27,000 रुपये बन जाएंगे, आपके जो 15,000 रुपये थे वो 27,000 रुपये हो जाएंगे, यानी लगभग डबल का फायदा आपको यहां पर दिखता है। तो अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो जल्दी से जल्दी मुनाफा कमाना चाहते हैं और सोचते हैं कि मुझे मतलब ज्यादा दिल की धड़कन नहीं बढ़ाना है, सीधा सीधा मेरे को प्रॉफिट हो जाए और मैं बाहर हो जाऊं, ऐसे निवेशक उसी दिन शेयर को बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, शेयर मार्केट होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, वो ऊपर और नीचे होता ही रहता है। तो आपको अगर ये सहन नहीं कर सकते तो बिल्कुल आपको उसी दिन मुनाफा कमा लेना चाहिए, कोई बुरा मुनाफा नहीं है, बहुत ही बढ़िया मुनाफा यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई आप अगर छोटा सा रिस्क लेना चाहें, जैसे मान लीजिए 110 रुपये में ये लिस्ट होता है IPO, ठीक है, आपको लगता है कि भाई ये नीचे जाएगा तो मेरे को रिस्क है, अगर ये मान लो 95-90 तक जाता है तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा 20 रुपये का नुकसान। तो आप क्या करें कि भाई 110 रुपये पर ये लिस्ट होता है, जैसे ही आप 105 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें। इससे क्या होगा कि भाई 105 रुपये के नीचे जैसे ही जाएगा ये ऑटोमेटिकली ही बिक जाएगा, आपको बेचने की जरूरत ही नहीं है। इस
इससे आपका जो है जो नुकसान है वो कम होगा, मतलब 5 ही रुपये का नुकसान होगा, यानी कि लगभग 1200 रुपये का ही आपका नुकसान है। और अगर ऊपर चला गया तो फिर तो आपको चांदी ही चांदी है, लेकिन अगर नीचे गया तो फिर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना है, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो IPO है वो लिस्ट होता है, उसके बाद धड़ाधड़ नीचे जाता है और 30-40 रुपये नीचे चला जाता है, यानी कि लगभग 20-25 रुपये भी नीचे गया तो 85 रुपये पर पहुँच जाएगा, यानी कि आपको 25 रुपये फायदा बचेगा। तो आपको ऐसे में क्या करना है कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने बताया, वो मेंटेन कर लेना है और उस और आराम से आपको शांति से बैठ जाना है कि भाई ऊपर जाएगा तो मेरा मुनाफा है, नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा ये चीज़ हो सकता है कि देखिए, तीसरा है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लें। लॉन्ग टर्म के लिए रखने के बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि भाई जो नई जनरेशन आ रही है, अब वो क्या है, वो समोसे तो खाती नहीं है, वो क्या खाती है, बर्गर पिज्ज़ा यही सब चीज़ें खाती है, तो भाई कंपनी तो ग्रोथ होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात ये है कि भाई ये जो कंपनी है इसकी फॉरेन में भी काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं, तो जब कभी फॉरेन के टूरिस्ट इंडिया में आएंगे तो वो भाई बर्गर किंग की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उन लोगों में जो टूरिस्ट होते हैं, फॉरेनर लोग होते हैं, उनमें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि भाई मान लीजिए ये जो जब इसका IPO आया था तो इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे या CEO थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगले 5 सालों में हम काफ़ी सारे रेस्टोरेंट इंडिया में बर्गर किंग के खोल रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी जो है मुनाफे में आ जाएगी, और धीरे धीरे जैसे 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 सब नॉर्मल होता जाएगा कोरोना वायरस से, सब रेस्टोरेंट तो वैसे खुल ही गए हैं लेकिन लोग डर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं बाहर, तो जैसे ही लोग जाना स्टार्ट कर देंगे वैसे ही इस कंपनी को भी मुनाफा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई कंपनी ग्रोइंग है और बहुत जल्दी ग्रोथ करने वाली है और बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है, तो आगे चल के हो सकता है कि आपको निराश नहीं करेगी, है ना, मैं आपको बोल रहा हूँ निराश नहीं करेगी, आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं और आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और आप ये सोचते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में ही फायदा होता है, ये 2-3 साल अगर मेरे को इन्वेस्ट रहना पड़ा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसमें इन्वेस्ट रहिए। भाई ऐसा नहीं है कि देखिए अभी माहौल थोड़ा सा वैसा चल रहा है कि कोरोना वायरस अभी ठीक से आया नहीं है, वैक्सीन नहीं आई है, तो हो सकता है बीच में एक आध दो ऐसे शॉक आ जाएं कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है, तो उस समय अगर ये शेयर भी नीचे गया और 80 रुपये 115 रुपये से 80 रुपये या 75 रुपये पर पहुँच गया तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो इसीलिए आप अगर ऐसे निवेशक हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, जैसे 1 साल 1.5 साल 2 साल, क्योंकि 2 साल 3 साल में तो ये कंपनी मुनाफा देने ही वाली तो कन्फर्म है, तो अगर आप लंबे समय तक इसको रख सकते हैं तो फिर आप इसमें इन्वेस्टेड रहें। मैंने तीनों ही कंडीशन आपको बताई, तीनों में से आपको जो पसंद है, मैं अपनी राय रख दूं कि मैं क्या करने वाला हूं इस IPO में, तो भाई इस IPO को मैं देखो कुछ शेयर मैं अपने बेचने वाला हूँ, यानी कि जैसे ही मेरे को 1 लॉट अलॉट हुआ है तो मैं इस IPO से कुछ पैसा यानी कि निकालने वाला हूँ, यानी कि 250 शेयर्स हैं तो मैं हो सकता है कि 150 जिस तरीके का रेट मुझे मिलेगा तो मैं क्या करूँगा 150 शेयर्स के लिए एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा, यानी कि 150 शेयर्स मुझे बेचने हैं, अगर 110 पे ये लिस्ट होता है तो मैं 105 का स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि 105 रुपये के अगर नीचे गया तो मेरे जो 150 शेयर्स है वो बिक जाएंगे और 100 शेयर्स मेरे अकाउंट में ही पड़े रहेंगे। इससे क्या होगा कि भाई मेरा कैपिटल वगैरह जो है वो निकल आएगा और मेरा जो मुनाफा है वो उसी में ट्रेड करते रहेगा, फिर आगे जब भी उसमें शेयर्स के दाम बढ़ेंगे तो फिर मैं उसको बेचूंगा, क्योंकि मैं वो जो 100 शेयर रखूंगा वो मैं ये सोच के रखूंगा कि भाई मेरे को अगर 1 साल भी रखना पड़ा ना तो मैं रखे रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर देखिए मैंने सारी कंडीशन आपको बता दी, अब आप इसमें से जिस टाइप के भी निवेशक हैं उस टाइप का आप एक्शन ले सकते हैं। देखिए शेयर अच्छा है, कोई खराबी नहीं है, अच्छा है तभी तो इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, ठीक है ना, तो आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आपके शेयर्स हैं, आपको अलॉट हुए हैं, तो डिसीजन भी आपका ही होगा, बस आपको मैंने समझाया है कि डिसीजन किस तरीके से ले सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई बात है जो आप कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएँ। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।